अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए, आज मैंने बनाई है रमजान स्पेशल दही फुल्की। मैंने जिस तरीके से बनाई है, एक बार आप इस तरीके से बनाकर खाइए, आपको वाकई में पसंद आएगी। और कमेंट में भी ये भी बताना कि आपके घर में किस तरीके से बनाई जाती है। आइए देखें मैंने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना दही फुल्की बनाना। दही फुल्की बनाने के लिए पहले मैं बेसन ले लेती हूँ। बेसन जो है आप अपने हिसाब से रखना कि आपके घर में कितनी आप बना रहे हो। मैं 250 ग्राम दही में बना रही हूँ, तो मैं अपना थोड़ा ही बेसन लूंगी ताकि फुल्की जो रहे उसमें कम ही रहे। देखिए, मैंने लगभग एक कटोरी के आसपास मैंने बेसन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक और आधा टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप इसके साथ साथ इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, आप जो भी आपको पसंद है आप उसमें चॉप करके डाल सकते हैं। मेरा बेटा खाता है इसलिए मुझे इसमें सब्जियां नहीं डालनी है, मतलब प्याज वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में खाई जाती है, आपके घर में सब पसंद करते हैं। तो बेसन को जो है अच्छे से पहले मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और बेसन यहाँ पे देखो, बेसन को पानी डाल के मिला लिया। बेसन को ज्यादा पतला नहीं रखना है, ठीक है, इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। देखो बिल्कुल सही फॉर्म में मेरा बेसन मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखना। और आप मुझे कमेंट में बताना आप किस तरीके से बनाते हो या आपके घर में किस तरीके से खाई जाती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाए। ये देखिए, यहाँ पे मेरा अच्छा से बेसन को मिक्स हो चुका है। अब बेसन को रखते हैं साइड। अब हम करते हैं पहले दही, दही बनाते हैं फिर उसके बाद में हम बेसन की पकौड़े बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 300 ग्राम दही ले लिया है, 250 ग्राम 300 ग्राम के आसपास दही है। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी। अब इसके अंदर जो मिक्स करना है वो मैंने देखो यहाँ पे ये चीज सब मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके बिना आप मेरे दही फुल्की मेरे तरीके से नहीं बना सकते। इसमें है जीरा, एक मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया था इसमें, एक लाल मिर्च साबुत और दो तीन लहसुन की कलियां हैं। इसको दरदरा पीस लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको मिक्स कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही फुल्की के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हम फुल्कियों में भी डाल चुके हैं, इसलिए नमक अपना हिसाब से ही डालना, कम या ज्यादा आप देख लेना आपके घर में कितना खाया जाता है। मैंने इतना आधा चम्मच नमक डाल दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, लगभग मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी डाल दिया। अगर यहाँ पे आप छाछ का बना रहे हैं या छाछ जो मठा होता है उसका बना रहे हैं तो उसमें फिर आपको पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दही का बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये देखिए, दही का बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है, छाछ का भी टेस्टी बनता है, लेकिन दही की बात ही अलग होती है, क्योंकि दही की जो है ना छाछ थोड़ी सी पतली हो जाती है जो मठा होता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि दही में ही बनाएं। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको रखते हैं हम साइड में और अपना पकौड़ी बनाते हैं। यहाँ ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालते हैं। कुछ लोग इसमें सोडा भी डालते हैं लेकिन मैं सोडा नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे सोडा सूट नहीं करता है। छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ डालेंगे क्योंकि जितनी छोटी पकौड़ी बनेंगी उतनी ही अंदर तक गल जाएंगी। बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ आप बनाएंगे तो वो अच्छी भी नहीं लगेंगी, अंदर से गलती भी नहीं है। तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मेरी देखो पकौड़ियाँ फूल गई हैं। अब इसको पलट लेते हैं और फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि स्लो फ्लेम पर क्या होगा, ये अंदर तक पक जाएंगी अच्छे से। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो क्या रहेगा, ऊपर से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। लेकिन इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर तक गल जाए। और पकौड़ियाँ देखिए किस तरीके से फूल गई हैं। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं मिलाया है, आप चाहें तो सोडा मिला सकते हैं, हमारे घर में नहीं खाया जाता और मुझे पसंद भी नहीं है सोडा, इसलिए मैं मिक्स नहीं करती हूँ। ये देखिए, अब इसको पकने तक अंदर तक जब तक पक जाए तब तक पका लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना दही में मिक्स करेंगे। इसको पानी में नहीं डालना है, ऐसे ही दही में हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब इसको हम दही में डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने पकौड़ियाँ डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया जो कि मैंने मोटा मोटा चॉप करके डाला है, आप बारीक भी डाल सकते हो लेकिन मुझे मोटा अच्छा लगता है। अब इस पे हम छौंका लगा लेते हैं, जिसपे हम लगाएंगे हींग और जीरे का छौंका, जिसके लिए मैंने देखो इसको साइड में कर देती हूँ। ये ले लिया है मैंने
छोंके वाला पैन। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा ज्यादा ही लेना तो ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। यहाँ पे हमने डाल दिए हींग। अब इसके साथ में हमें इसमें छौंका लगाते हैं। पहले इसमें डाल लेते हैं ऑयल। इसमें डालते हैं इसमें से ऑयल। देखिए यहाँ पे मेरा छोका हो गया है तैयार। और मिर्च के पर डालेंगे। ये दही कुल्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है। देखिए